हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। विद्युत बिलों पर ग्रामीणों ने जताई नाराजगी। हेमावास के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। पाली में मनमर्जी के विद्युत बिलों को लेकर शहर सहित जिले भर में लोगों में आक्रोश पनपता जा रहा है, लेकिन विद्युत विभाग है कि उनकी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, जिसको लेकर सोमवार को हेमावास गांव में आए ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर अंशदीप को ज्ञापन सौंपकर बताया कि कोरोना महामारी के वजह से मजदूरी एवं कारोबार बंद पड़े हैं, लेकिन विद्युत विभाग में मनमर्जी से हजारों की संख्या में बिल भेज दिए गए हैं। कुछ लोगों को तो बिल जमा होने के बावजूद भी पूर्व की राशि जोड़ कर दे दी गई है। शिकायत अधिकारियों से करने के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन करना पड़ेगा। इस मौके पर सरपंच मोहनलाल, केसर सिंह, राजा राम, अर्जुन सांकला, आबिद नागौरी, रामलाल, वक्ता राम, बाबूलाल, हेमा राम, नैना राम, सोमा राम समेत कई ग्रामीण मौजूद थे। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए सरपंच हेमावास मोहनलाल इन्होंने ये कहा। हम सभी गांव वालों की मांग है कि बिजली के बिलों में जो ज़्यादा आए उनकी मांग को लेकर हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। इनमें बिजली घर ने, बिजली विभाग ने बहुत अनियमितता बरती है, न तो रीडिंग ली गई और रीडिंग ले 4 महीने कोरोना चलते किसी ने रीडिंग भी नहीं ली, अपने अंदाज से वो बिल बना के भेज दिए। क्योंकि लोगों के 10,000, 10,000, 12,000, 13,000, 15,000 के करीब बिल आए हैं और इस महामारी में ये बिल लोग कहाँ से भरेंगे। इसीलिए हम कलेक्टर साहब से अनुरोध करना आए हैं कि हमारी मांग हेलो बिजली विभाग को दे, इसमें सुधार कराएं और फिर बिल में नए बिल बनाकर हमारे गांव में पेश करें, वही बिल हम भरने के लिए तैयार हैं। तो फिर हम आगे मांग अगर हमारी नहीं सुनवाई होगी तो हमें आगे भी कार्रवाई करने के लिए तैयार। जागरूक टीवी के लिए पाली से हस्तपाल सिंह की रिपोर्ट।